दुनिया के कई देशों में व्यस्त जिंदगी और तमाम तरह की आपाधापी से भरी दिनचर्या के बीच बहुत कम लोगों के पास फुर्सत से हमेशा ताजा खाना बनाने और खाने का वक्त होता है। शहरों में ज्यादातर लोग इंस्टेंट और प्रोसेस्ड यानी रेडी टू ईट पैक्ड फूड को विकल्प के रूप में चुनते हैं। पहले खानपान की ऐसी आदतें सिर्फ वेस्टर्न देशों तक ही सीमित थी, पर आज भारत जैसे देश में भी बड़े पैमाने पर यह प्रचलन आम होता जा रहा है। इसी बदलाव का नतीजा है कि वैश्विक स्तर पर प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भारत में भी खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अलग अलग प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जबरदस्त क्षमता है और अब मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत इंडियन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बनकर उभर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह और इस खास रिपोर्ट के जरिए आइए समझते हैं कि कैसे आज भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर दुनिया में एक अलग स्थान बना चुका है और कैसे इस क्षेत्र में मौजूद भरपूर पोटेंशियल को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफी बड़ा क्षेत्र है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों में वैल्यू एडिशन प्रोसेस से है। फूड प्रोसेसिंग दरअसल एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें बेसिक एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स यानी खाने पीने की चीजों को प्रोसेस करके उनमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, जिससे उनमें स्वाद, न्यूट्रिशन या शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। भारत ही नहीं, दुनिया भर में लोगों की तेजी से बदलती लाइफस्टाइल ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की मांग में लगातार बढ़ोतरी की है। बदलती लाइफस्टाइल और भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच फूड प्रोसेसिंग का बाजार काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और खास तौर से फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश के बहुत अवसर है। आंकड़ों के जरिए समझे तो ये सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में बेहद अहम पिलर का काम करता है। देश से होने वाले कुल निर्यात में फूड प्रोसेसिंग की हिस्सेदारी 13% है, जबकि कुल औद्योगिक निवेश में इसका हिस्सा 6% है। $1.3 बिलियन के कुल मार्केट साइज के साथ ये सेक्टर 20% CAGR को बनाए रखे हुए है। 2030 तक देश की GDP में फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा मौजूदा 8% से बढ़ाकर दुगने से ज्यादा 20% करने का लक्ष्य है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर यानी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की पहचान मेक इन इंडिया के तहत बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में की गई है और ये सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात, निवेश और रोजगार में अपने योगदान के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण खंड है। साथियों, आज प्रोसेस्ड फूड में भी हमारी हिस्सेदारी बहुत अधिक बढ़ रही है। इससे किसानों को उपज के ज्यादा दाम मिलने के रास्ते खुल रहे हैं। उत्तराखंड का मोटा अनाज पहली बार डेनमार्क में गया। इसी प्रकार कर्नाटक का ऑर्गेनिक जैकफ्रूट पाउडर भी नए बाजारों में पहुंच रहा है। अब त्रिपुरा भी इसके लिए तैयारी करने लगा है। ये बीज हमने पिछले 8 वर्षों में बोए हैं, जिसकी फसल अब पकनी शुरू हो गई है। 8 साल पहले जहां 2 बड़े फूड पार्क, आज ये संख्या 23 हो चुकी है। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का निर्यात 2020-21 में 8.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 10.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया। इससे इस क्षेत्र में आ रही तेजी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। 2021-22 में कुल कृषि खाद्य निर्यात में प्रोसेस्ड फूड निर्यात की हिस्सेदारी बढ़कर 22.6% हो गई। 2021-22 के दौरान ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ने 709.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI आकर्षित किया। भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में
प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के उत्पादन और निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं हैं। यहाँ खाद्य बाजार लगभग 10.1 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हिस्सा 53% यानी 5.3 लाख करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत आने वाले सब सेगमेंट्स की बात करें तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से बने उत्पाद, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियां, ग्रेन्स और सीरियल्स यानी अनाज और दालें, फिशरीज यानी मछली और मछली उत्पाद, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग, ब्रेड एंड बेकरी। इसके अलावा टी, कॉफी, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स, सोया प्रोसेसिंग और मसालों जैसे अनगिनत कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। भारत में आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मौजूद भरपूर पोटेंशियल को हासिल करने के लिए मेक इन इंडिया मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रयासों को और तेज किया जा रहा है। प्रोसेस फूड इंडस्ट्री और ये सनराइज इंडस्ट्री भी कही जाती है, क्योंकि ये 12.38% के करीब जो है वो एम्प्लॉयमेंट में इसकी हिस्सेदारी, साथ ही साथ इसका बहुत बड़ा योगदान हमारी जीडीपी में है। 1.3 ट्रिलियन की जो है वो हमारी इकोनॉमी जो बनती है, जो कि खरीदार हैं, और ये आने वाले टाइम में और बढ़ने जा रही है। जबरदस्त बड़ा हमारा एग्री बेस है, तो सब कुछ हमारे लिए सहूलियत है कि हम लोग प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जो हैं प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्रीज को इसमें डेवलप। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश है, साथ ही हम मसालों के उत्पादन में भी दुनिया में सबसे आगे हैं। इसके अलावा हम दुनिया में दाल के सबसे बड़े उत्पादक हैं। सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के उत्पादन में हम दुनिया में दूसरे पायदान पर आते हैं। मछली के उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जबकि हम चौथे सबसे बड़े फिश और फिशरी प्रोडक्ट्स के निर्यातक हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत देश में 41 मेगा फूड पार्क को मंजूरी मिली हुई है, जिसमें से 23 मेगा फूड पार्क काम करना शुरू कर चुके हैं। 12 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स में काम चल रहा है। 271 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स देश में काम कर रहे हैं। वहीं 140 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज देश भर में फूड टेस्टिंग का काम कर रही है। ये सेक्टर रोजगार देने के मामले में देश के सबसे बड़े सेक्टर में से एक है। कुल रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से 12% से ज्यादा की वर्कफोर्स फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में काम करती है। देश में 40,579 फूड प्रोसेसिंग रजिस्टर्ड यूनिट्स काम कर रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं चला रखी है और इसका असर भी दिखने लगा है। प्रोसेसिंग के जरिए न केवल खेती बाड़ी को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा रहा है, बल्कि इसके निर्यात के द्वार खोलने पर आमदनी और रोजगार में भी बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल हमारे देश के अन्नदाता फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। ऐसे में उनकी मेहनत के बदले होने वाली आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है, यानी उनकी फसलों का उचित दाम दिलाना, सड़ने या खराब होने से बचाना, इसके अलावा उन उत्पादों के लिए बाजार मुहैया कराना। इन सब के बीच अब खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के जरिए किसानों के उत्पाद को एक नए कलेवर में बाजार तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है और इसमें नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर खासा जोर दिया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के क्षेत्र में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। ये सेक्टर 1.93 मिलियन लोगों को रजिस्टर्ड फैक्ट्री सेक्टर में रोजगार देता है, जो कि रजिस्टर्ड सेक्टर का 12% से ज्यादा हिस्सा है। साथ ही अनरजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 5 मिलियन से ज्यादा कामगारों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर रहा है। 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन देश में 342 मिलियन टन से ज्यादा का रहा।
दूध उत्पादन में हम पहले स्थान पर है और 2021-22 के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन 221 मिलियन टन से ज्यादा का रहा है। साल 2021-22 में दूध उत्पादन में करीब 5.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2021-22 में देश में कुल अंडा उत्पादन 129 बिलियन से ज्यादा का रहा है, जो इससे पिछले साल की तुलना में 6% से ज्यादा है। 2022-23 में 8 अरब डॉलर से ज्यादा के निर्यात के साथ भारत चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति का आगाज किया। इसके लिए मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की, जिसमें अब तक का सबसे अधिक निवेश किया गया है। इसमें 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल के लिए 20,050 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना से आज मछली के उत्पादन में बहुत प्रगति हो रही है। देश भर में जहां भी नदियां हैं, छोटे तालाब है, इस योजना से ग्रामीणों को, किसानों को आय का अतिरिक्त साधन मिल रहा है। इसमें लोकल स्तर पर फीड उत्पादन के लिए भी सहायता दी जा रही है। आज 25,000 से ज्यादा सहकारी समितियां फिशरीज सेक्टर में काम कर रही हैं। इससे फिश प्रोसेसिंग, फिश ड्राइंग और फिश क्योरिंग, फिश स्टोरेज, फिश कैनिंग, फिश ट्रांसपोर्ट, ऐसे अनेक काम उनको आज ऑर्गेनाइज्ड वे में बल मिल रहा है। घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा भारत हाल के वर्षों में कृषि उत्पादों का बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। भारत में ऑनलाइन किराना रिटेल यानी ऑनलाइन ग्रोसरी रिटेल में 50% से ज्यादा की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखी जा रही है और 2025 तक ये 10 अरब डॉलर से 12 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग में तेजी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर अगर नजर डालें तो इसमें FDI पॉलिसी का खासा रोल रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI को मंजूरी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 2016 से 2022 तक 4,268 मिलियन डॉलर से ज्यादा का FDI फ्लो रहा। वहीं 2021 में सरकार ने PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए को मंजूरी दी। इससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस घोषणा से प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होगी और किसानों को अपनी पैदावार की उचित कीमत मिलेगी। साथ ही भारतीय ब्रांड्स की ग्लोबल मार्केटिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रोसेसिंग के वॉल्यूम्स हैं वो भी काफी बड़े हैं। पहले ये होता था कि मोस्टली प्रोड्यूस रॉ बिकता था। आज की डेट में अगर आप स्पाइसेस में देखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में देखें, टोटल एग्री प्रोड्यूस का जो परसेंटेज प्रोसेस हो रहा है उसमें फर्क आया है। इसका कारण है गवर्नमेंट की नीतियां, जिसमें एक्सपोर्ट्स के लिए काफी बढ़ावा दिया गया है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैपिटल सब्सिडी के लिए दी गई है विभिन्न क्षेत्रों को, और साथ में कैपिटल अवेलेबिलिटी भी, बैंक फाइनेंस और कैपिटल अवेलेबिलिटी भी वाइडली अवेलेबल है। तो इस कारण, इन सब रीजन से काफी बढ़ोतरी मिली है इस क्षेत्र को। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। भारत पहले से ही मिलेट्स का बड़ा उत्पादक है। 2022 में सरकार ने मोटे अनाजों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI से जोड़ा है और कुल PLI आवंटन में से 800 करोड़ रुपए श्री अन्न यानी मिलेट्स आधारित उत्पादों के लिए तय किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इस योजना के तहत केंद्र सरकार खेत से अनाज को सही तरीके से दुकानों तक पहुंचाने के प्रबंधन और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद कर रही है।
इसके अलावा इस योजना के जरिए सरकार किसानों को अपनी पैदावार को सही तरीके से बेचने का इंतजाम भी करती है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को आगे बढ़ाने और इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने योजना के तहत 4,600 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी। इस योजना को 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया, लिहाजा किसान आने वाले 3 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत एक बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार किया गया है। इस समय देश भर में 23 मेगा फूड पार्क चल रहे हैं। अगर फसलों की उपज ज्यादा होती है तो अक्सर कीमतों में गिरावट देखी जाती है, जिस वजह से किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकार लगातार इस प्रयास में लगी हुई है ताकि किसानों को सही कीमत मिल सके। मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव साबित हो रहा है। ये कैसी योजना है जिसमें कृषि उपज, फल और सब्जियों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की जाती है। मेगा फूड पार्क योजना के तहत उत्पादों को प्रोसेस किया जाता है, फसलों को इकट्ठा करके और वितरित करने की व्यवस्था यहाँ मौजूद है। मेगा फूड पार्क में एग्री प्रोडक्ट्स के भंडारण की व्यवस्था दुरुस्त रहती है। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करके उनकी कीमत बढ़ाई जाती है ताकि कच्चे माल को ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट्स में बदला जाए। 48 मेगा फूड पार्कों को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही 3 और मेगा फूड पार्कों को भी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इनमें से 2 मेगा फूड पार्क मेघालय और तमिलनाडु में स्थापित हो रहे हैं। इसके अलावा स्कीम फॉर क्रिएशन, एक्सपेंशन और फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज भी लागू है। साथ ही स्कीम ऑफ कोल्ड चेन वैल्यूएशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसके अलावा पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के तहत लोगों को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपना काम शुरू करने के लिए बड़ी मदद दी जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। निवेश को बढ़ाने के तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में बैकवर्ड लिंकेज, उपकरण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोल्ड चेन स्टोरेज के नए तरीके, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक और रिटेल चेन, वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग जैसे तमाम उपाय शामिल हैं। आज लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर खर्च करने के लिए तैयार हैं, इसलिए उम्दा क्वालिटी पर खासा जोर दिया जा रहा है। अपनी समृद्ध खान पान की संस्कृति से दुनिया को परिचित कराने के लिए और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय फेयर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि दुनिया भर के निवेशक एक छत के नीचे आकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भारत की ताकत को पहचान पाएं। कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान को दूर करने के लिए योजना लाई गई। सरकार ने प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना कुल 5 साल यानी 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के लिए जारी की। इसके तहत कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना तय हुआ। इस योजना के अंतर्गत लगभग 9 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जिसमें कुशल और अर्धकुशल दोनों तरह के रोजगारों का सृजन होगा। योजना के तहत आवेदकों को 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। लोन पर सरकार 35% सब्सिडी भी देती है। I would like to extend my gratitude to the Ministry of Food Processing Industries of the Government of India. As 2023 has been declared the International Year of Millets, making a significant impact not only domestically but also on the global stage. Their investment-friendly PLI schemes have already ignited a revolution, accelerating the growth of our food processing industry. In today's rapidly evolving global food industry, events like World Food India 2023 are not just important, they're absolutely crucial. We find ourselves in an era characterized by innovation, sustainability, and collaboration. This event provides a pivotal platform for all of us to unite, share insights, and explore opportunities in this dynamic landscape. India is not just a land of cultural diversity, it's also a land of culinary diversity. From traditional delicacies to cutting-edge food tech innovations, India has it all. And World Food India is the ideal place to witness this diversity firsthand.
केंद्र ने 10,000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ 2020 से 2025 तक क्रेडिट लिंक सब्सिडी के माध्यम से 2,00,000 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना और उन्हें अपग्रेड करने के लिए वित्तीय मदद दे रही है। इस योजना के जरिए खराब आर्थिक स्थिति वाले लोग भी खुद का खाद्य संबंधी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। इसमें उद्यमियों को तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग सहायता सेवाओं के जरिए उनमें क्षमताओं का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्पादन, खपत, निर्यात और विकास संभावना की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा उद्योग है। भारतीय उपभोक्ताओं को आज उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी वाले फूड प्रोडक्ट्स परोसे जा रहे हैं, जिनका निर्माण एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। कंपनी फ्रॉम अबाउट 3 years नाउ, तो उसमें से बहुत से हमको स्केल अप करने के लिए हुआ था। वी आर कमिंग अप विद आवर ओन रिटेल ब्रांड ऑल्सो नाउ, कॉल्ड द 5th जनरेशन कॉफी। द कंपनी रसूलपुर कॉफी एस्टेट्स एंड रोस्टर्स द मेन कंपनी, जहाँ पे हम खुद अपना कॉफी ग्रो करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको रोस्टिंग भी करते हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज हमारे पास हैं, सो वी डू द होल सेल ऑफ कॉफीज मेनली। सो वी वर एबल टू डू द रिटेल एज वेल नाउ आफ्टर अवेलिंग द फैसिलिटीज व्हाट आई गॉट फ्रॉम द PMSME। तो हमने अपना अलग सा ब्रांड बनाया है 5th जनरेशन कॉफी। तो वहाँ पे हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लाइक कॉफी बीन्स, कॉफी पाउडर, रिटेल मार्केट में सिंगल पॉर ओवर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारे बेनिफिट्स हमको PMSME से मिले हैं। आज देश में 707 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलाए जा रहे हैं। इन जिलों के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। देश में 707 जिलों में एक जिला एक उत्पाद स्कीम जारी है। इन जिलों की प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर खासा फोकस है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किसान रेल बड़ी सहायक बन रही है। देश में फल, सब्जियां, समुद्री उत्पाद जहां अधिकता में पैदा होते हैं, वहां मांग कम या कहीं मांग ज्यादा और उत्पाद कम है। इस गैप को पूरा करने का काम मंत्रालय कर रहा है। तमाम खाद्य उत्पादों के लिए कोल्ड चेन और ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। किसान रेल इसमें काफी सहयोग कर रही है। किसानों के उत्पाद अब उस शहर या राज्य से ब्रांड बनकर पैक होकर दूसरे राज्य जा रही है। किसान रेल में सामान खराब भी नहीं होता और दूसरे राज्यों में जल्दी पहुंचता है। इससे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी होती है और मांग भी बढ़ती है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है। इसके साथ ही अगर कहीं कोई चीज बल्क में पैदा हो रही है और ब्रांड है, तो उसे दूसरे राज्य में भेजने के लिए आधा खर्च फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दे रहा है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्पादन, खपत, निर्यात और विकास संभावनाओं की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा उद्योग है। उपभोक्ता की बढ़ती संपन्नता ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए नए अवसर, विकास के नए मार्ग खोल दिए हैं। उपभोक्ता को नए उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद देने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे इंस्टीट्यूट्स काफी मदद कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार और व्यवसाय की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए इससे बड़ी संख्या में युवा आज जुड़ रहे हैं और फूड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड ट्रेड मैनेजमेंट और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच से संबंधित विषयों में गहरी रुचि ले रहे हैं। यानी एक स्किल्ड वर्कफोर्स इस सेक्टर के लिए तैयार हो रही है। दुनिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इस सेक्टर को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए और आधुनिक बनाया जा रहा है। देश के कुल फूड मार्केट में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 32% है। भारत में कुल खाद्य उत्पादन का 10% ही प्रोसेस किया जाता है। भारत के कुल निर्यात में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 13% है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में स्टार्टअप्स तेजी से आ रहे हैं। अप्रैल 2023 तक के आंकड़ों की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 3,319 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। ये स्टार्टअप 425 जिलों में चल रहे हैं। इसमें 33,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन स्टार्टअप में से सबसे ज्यादा 620 स्टार्टअप अकेले महाराष्ट्र में हैं, जबकि 58% से ज्यादा स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हैं।
जाहिर तौर पर भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन वृद्धि खपत और निर्यात की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभर रहा है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मेक इन इंडिया के तहत एक हाई प्रायोरिटी सेक्टर है, जिससे भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान बना ली है और इसका सीधा लाभ देश के उद्यमियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को मिल रहा है। फूड प्रोसेसिंग को केंद्र में रखकर अनेक मंत्रालय, विभाग और संस्थान व्यवसायिक गतिविधियों को सरल और कुशल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कृषि, बागवानी, डेयरी, फिशरीज जैसे सेक्टर का औद्योगिक जगत के साथ बेहतर तालमेल हो रहा है। परंपरा से आधुनिक व्यवसाय तक की यात्रा साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के रास्ते पूरी की जा रही है। जाहिर है, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, जहां अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं, जिसका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।